आपका हमारे YouTube चैनल रेसिपी सक्सेस पॉइंट पर स्वागत है। आज हम आपको एमएड प्रवेश परीक्षा 2020 के लिए चैप्टर नंबर 3 शिक्षा मनोविज्ञान कराने जा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह कथन है स्किनर का। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, मनोविज्ञान को शुद्ध विज्ञान माना है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, जेम्स ड्रेवर ने। बाकी सभी क्वेश्चंस के जो है आंसर हाईलाइटेड है, आप खुद भी देख सकते हो, लेकिन कभी कभार ऐसा हो जाता है हम जो है पढ़ने की कंडीशन में नहीं होते, तो आप एयरफोन वगैरह लगाकर भी इस जो है वीडियो को सुन सकते हो। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, मनोविज्ञान है तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, विधायक विज्ञान। यह परिभाषा किस विद्वान ने प्रस्तुत की? सबसे पहले मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर उसने अपने मन और मस्तिष्क का त्याग किया, उसके बाद उसने चेतना का त्याग किया, अब यह व्यवहार की विधि को स्वीकार करता है। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, वुडवर्थ आरएस। क्वेश्चन नंबर 5, मनोविज्ञान का वास्तविक अर्थ है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, व्यवहार का विज्ञान। क्वेश्चन नंबर 6, शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र है बालक। क्वेश्चन नंबर 7, शिक्षा मनोविज्ञान सहायक है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया में। क्वेश्चन नंबर 8, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, अनुशासन में, बाल विकास के ज्ञान में, मूल्यांकन में, सर्वांगीण विकास में, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, सर्वांगीण विकास में। शिक्षा मनोविज्ञान जरूरी है, शिक्षक के लिए, छात्र के लिए, अभिभावक के लिए, सभी के लिए, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, सभी के लिए। तो आपने एक बात नोट की होगी, एमएड के अधिकतर क्वेश्चन में जो आपका ये होता है उपरोक्त सभी या सभी के लिए, तो उसके चांस 90% सही है। तो यदि आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं जानते तो आप इसको ट्राई कर सकते हो, इसको लगा सकते हो, वैसे तो आपको बचना है क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है। क्वेश्चन नंबर 10, शिक्षा मनोविज्ञान वर्तमान में अपनी किस अवस्था में, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, शैशवावस्था। क्वेश्चन नंबर 11, शिक्षा मनोवैज्ञानिक के अध्ययन की अंतर्दर्शन विधि में एक बार में अध्ययन हो सकता है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, केवल एक व्यक्ति का। शिक्षा के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन सहायक है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, शिक्षण दक्षताओं के विकास में। क्वेश्चन नंबर 13, शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में नहीं आता, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, औद्योगिक अध्ययन। क्वेश्चन नंबर 14, शिक्षा मनोविज्ञान के प्रयोग से क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं, अनुशासन स्थापना में, मूल्यांकन प्रक्रिया में, शिक्षण विधियों में, डी ये सभी, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 15, क्या आप इस कथन से सहमत है, शिक्षा की किसी भी योजना में शिक्षक का केंद्रीय स्थान होता है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, पूर्णतया सहमत है। क्वेश्चन नंबर 16, मनोविज्ञान को आरंभ में कहा जाता था, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, आत्मा का विज्ञान, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से वह मनोवैज्ञानिक विधि बताइए जो किसी बालक की समस्या का अध्ययन करने के लिए सबसे कम उपयोगी है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, प्रयोगात्मक विधि। इसमें आपको दिया हुआ है परीक्षण विधि, केस स्टडी, निरीक्षण विधि, प्रयोगात्मक विधि, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है अभिवृत्तियों का, रुचियों का, अभिक्षमताओं का, इन सभी का, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, इन सभी का। क्वेश्चन नंबर 19, उपचारात्मक विधि उपयोगी है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, पिछड़े बालकों के लिए, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि बार बार ये परीक्षाओं में आया। क्वेश्चन नंबर 20, मनोविश्लेषण संप्रदाय की स्थापना करने का श्रेय, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सिगमंड फ्रायड। क्वेश्चन नंबर 21, वर्तमान में मनोविज्ञान है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, व्यवहार का विज्ञान। क्वेश्चन नंबर 22, मनोवैज्ञानिक अध्ययन की किस विधि में व्यक्ति द्वारा स्वयं के अपने अंतःकरण का विश्लेषण किया जाता है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अंतर्दर्शन विधि। क्वेश्चन नंबर 23, शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक और मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क
और आत्मा के सर्वोत्तम अंश की अभिव्यक्ति है। यह कथन है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, गांधी जी का। क्वेश्चन नंबर 24, शिक्षा मनोविज्ञान उपयोगी है। पाठ्यक्रम के सुधार में, शिक्षण विधियों के प्रयोग में, शिक्षण विधियों की खोज में, उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। किस विद्वान ने मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति को ही शिक्षा माना है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, स्वामी विवेकानंद। क्वेश्चन नंबर 26, जेवी वाटसन ने मनोविज्ञान के किस संप्रदाय को प्रतिपादित किया? तो ऑप्शन सी सही होगा, व्यवहारवादी। क्वेश्चन नंबर 27, शिक्षा मनोविज्ञान उपयोगी है। समय सारणी बनाने में, परीक्षा प्रश्न पत्र बनाने में, शिक्षण विधियों के सुधार में, डी उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन डी सही होगा, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 28, शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व है विद्यार्थियों की कमजोरियों का ज्ञान प्राप्त करने में, विद्यार्थियों को समझाने में, विद्यार्थियों को उत्प्रेरित करने में, डी उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 29, शिक्षण मनोविज्ञान पर आधारित है। किंडरगार्टन पद्धति, मॉन्टेसरी पद्धति, खेल पद्धति, ये सभी। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 30, मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला स्थापित हुई थी? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 1879 जर्मनी में। क्वेश्चन नंबर 31, बच्चों में अंतर्दर्शन की प्रवृत्ति होती है, बहुत कम। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। किस विधि में उद्दीपन अनुक्रिया के मध्य होने वाले संबंधों का अध्ययन किया जाता है? तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, मनोभौतिकी विधि। मनोविज्ञान के किस संप्रदाय की स्थापना विश्वविद्यालय में न होकर नैदानिक परिसर में हुई थी? तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, मनोविश्लेषणवाद। क्वेश्चन नंबर 34, अंतर्दर्शन की अधिकता पाई जाती है? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, वृद्धों में। क्वेश्चन नंबर 35, शिक्षा मनोविज्ञान एक शाखा है? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, मनोविज्ञान की। मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान मानने वाले हैं अरस्तु, पोम्पोनाजी, विलियम जेम्स, वुडवर्ड। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, पोम्पोनाजी। क्वेश्चन नंबर 37, प्राथमिक स्तर पर सबसे कम प्रभावी विधि है? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अंतर्दर्शन विधि। क्वेश्चन नंबर 38, शिक्षा मनोविज्ञान का प्रमुख कार्य है बालक की शिक्षा में रुचि जागृत करना, बालक को भी प्रेरणा देना, बालक के व्यवहार में सकारात्मक परिमार्जन करना। तो ऑप्शन डी सही आएगा, उपरोक्त सभी। केली ने शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्य बतलाए? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 9। क्वेश्चन नंबर 40, शिक्षा मनोविज्ञान की प्रवृत्ति है विज्ञान, कला, ए व बी दोनों। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ए व बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 41, शिक्षा का शाब्दिक अर्थ है? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, नेतृत्व देना। क्वेश्चन नंबर 42, अनुशासनहीन छात्रों के साथ शिक्षक का व्यवहार होना चाहिए? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, विनम्र किंतु दृढ़। क्वेश्चन नंबर 43, शिक्षा मनोविज्ञान ने निश्चित स्वरूप धारण किया? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 1920 ईस्वी में। शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य है जीविका, अधिकार, ज्ञान, विकास। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, विकास। क्वेश्चन नंबर 45, शिक्षा मनोविज्ञान की वस्तुनिष्ठ विधि है? तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, साक्षात्कार विधि। जीवन इतिहास विधि का प्रयोग सर्वप्रथम किया था? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, टाडमैन ने। शिक्षा और मनोविज्ञान को जोड़ने वाली कड़ी है? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, मानव व्यवहार। क्वेश्चन नंबर 48, समाज मिति विधि के प्रतिपादक है? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, जे ए मुनरो। शिक्षक शिक्षा मनोविज्ञान से ही नहीं जान सकता? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, आत्मा के विषय में। क्वेश्चन नंबर 50, शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारी की आधारशिला है? कथन है स्किनर का। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51, शिक्षक के लिए मनोविज्ञान की उपयोगिता है बालकों का चरित्र निर्माण, अनुशासन में सहायता, बाल व्यवहार का ज्ञान, ये सभी। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ये सभी। स्किनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान का आरंभ हुआ? तो
ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अरस्तु से। क्वेश्चन नंबर 53, शिक्षक की सफलता का रहस्य है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उसको मनोविज्ञान का ज्ञान होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 54, शिक्षक के लिए शिक्षक मनोविज्ञान का अध्ययन है आवश्यक, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, उसको शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 55, शिक्षा मनोविज्ञान की आत्मनिष्ठ विधि है, तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, गाथा वर्णन विधि। शिक्षा मनोविज्ञान उपयोगी है, छात्र शिक्षक के लिए, व्यक्ति के लिए, समाज के लिए, व्यक्ति और समाज दोनों के लिए, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57, पूर्व अनुभव या व्यवहार का लेखा तैयार करने की विधि है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, गाथा वर्णन विधि। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार सभी बालक जन्म से समान होते हैं, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, वाटसन। क्वेश्चन नंबर 59, मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान नहीं मानते हैं, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, वाटसन। अपराधी प्रवृत्ति वाले बालक के लिए उपयुक्त विधि है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उपचारात्मक विधि। क्वेश्चन नंबर 61, आत्मनिरीक्षण विधि का प्रतिपादन किया था, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, लोक ने। क्वेश्चन नंबर 62, अंतर्दर्शन विधि में निरीक्षण होता है स्वयं का, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नंबर 63, निरीक्षण विधि में किया जाता है दूसरों का अध्ययन, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64, किस मनोवैज्ञानिक अध्ययन विधि में प्रश्नकर्ता के सम्मुख उत्तरदाता नहीं उपस्थित होता, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, प्रश्नावली विधि। क्वेश्चन नंबर 65 पर आ जाइए, गेस्टाल्ट का अर्थ है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, समग्र रूप से किसी व्यक्ति के जन्म से लेकर उसकी वृद्धावस्था तक के अधिगम अनुभवों का वर्णन एवं धारणा ही शिक्षा मनोविज्ञान है, यह कथन है करो एवं करो का। क्वेश्चन नंबर 67, निम्न में से कौन सी विधि छात्रों की संवेदना एवं अभिवृत्ति जानने हेतु सर्वोचित है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, साक्षात्कार। कौन व्यक्ति इतिहास विधि का अवगुण नहीं है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, विद्यार्थियों का मानसिक एवं शारीरिक विकास का अध्ययन करना। गेस्टाल्ट सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने दिया, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, कोहलर ने। क्वेश्चन नंबर 70, एक मनोवैज्ञानिक ने कहा था कि मुझे बच्चा दो और बताओ उसे क्या बनाओ, इंजीनियर, डॉक्टर या अन्य, तो वह मनोवैज्ञानिक था, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, वाटसन। तो यहाँ से आप ट्रिक पकड़ सकते हो, क्या बनाऊँ, क्या, तो क्या से हो जाएगा वाट और वाट जाएगा वाटसन, तो क्या बनाऊँ, वाटसन। तो यहाँ से आप ट्रिक बना सकते हो इस क्वेश्चन की, आपको ये परमानेंट याद हो जाएगा, वाट क्या बनाऊँ, वाटसन। तो 71 पर आ जाइए, शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारी की आधारशिला है, यह कथन है स्किनर का। क्वेश्चन नंबर 72, बालक के समाजीकरण का प्रथम घटक है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, परिवार। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार परीक्षाओं में आया है, क्योंकि मैं भी टेट लगभग 11 बार निकाल चुका, इसमें यूपी टेट, सी टेट, उत्तराखंड टेट देखने को मिलते हैं, तो आपके एमएड प्रवेश परीक्षा में भी आ सकते हैं। ईगो व सुपर ईगो की अवधारणा के जन्मदाता है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, फ्रायड। 74 पर आ जाइए, किस विधि में अपनी स्वयं की क्रियाओं का निरीक्षण किया जाता है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, आत्मनिरीक्षण विधि। सबसे पहले प्रश्नावली का निर्माण किया, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, वुडवर्थ। मनोविज्ञान अध्ययन की प्राचीनतम विधि है, तो बी सही हो जाएगा, अंतर्दर्शन विधि। विकास की प्रक्रिया चलती है जीवन पर्यंत, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है, यह कथन है करो वह करो का, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79, किशोरियों में होने वाले शारीरिक परिवर्तन है, मानसिक स्त्राव का प्रारंभ, उरोजों का उभार, बगलों में पसीना आना, ये सभी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ये बाल्यावस्था होती है 2 से
12 वर्ष तक। तो ये अवस्था आपको याद कर लेनी है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। किशोरावस्था, बाल्यावस्था, शैशवावस्था, प्रौढ़ावस्था वगैरह, इनको ध्यान से पढ़ लीजिए, इनमें से एक आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81, किंडरगार्टन शिक्षण पद्धति का विकास किसने किया? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, फ्रोबेल ने। विकास दिशा सिद्धांत के अनुसार विकास होता है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, सिर से पैर की दिशा में। जन्म से मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, विकास। जन्म से मृत्यु तक चलता है विकास। क्वेश्चन नंबर 84, प्रतिद्वंद्वात्मक समाजीकरण की अवस्था कहा जाता है? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, बाल्यावस्था को। क्वेश्चन नंबर 85, बालक का विकास परिणाम है वंशानुक्रम व वातावरण की अंतःक्रिया का, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86, किशोरावस्था एक नया जन्म है क्योंकि इसी में उच्चतर व श्रेष्ठ मानव विषय के दर्शन होते हैं, यह कथन है स्ट्रेंग का। क्वेश्चन नंबर 87, किशोरावस्था की विशेषता है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, विषमलिंगी समूहों का बनाना। क्वेश्चन नंबर 88, व्यक्तियों में विकास की गति भी भिन्न भिन्न होती है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, विकास का गति सिद्धांत। शैशवावस्था की मुख्य विशेषता नहीं है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, नैतिकता। परिवर्तन की अवस्था कहा गया है, तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, किशोरावस्था को। क्वेश्चन नंबर 91, जीवन के किस काल को तूफान तथा संघर्ष की अवस्था कहा जाता है? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, किशोरावस्था को। एस्टने हॉल ने कहा था, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 92, मनोवैज्ञानिकों के अनुसार चरित्र है व्यक्तित्व, नैतिकता, स्वभाव, ये सभी, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ये सभी। बालक के विकास की अवस्थाओं का सही क्रम है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शैशवावस्था, उसके बाद बाल्यावस्था, के बाद किशोरावस्था, और लास्ट में आता है आपका प्रौढ़ावस्था, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94 पर आ जाइए, जीवन की किस अवस्था को सुखद वर्षा तथा प्रकाश की अवस्था कहा जाता है? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, किशोरावस्था को। उत्तम चरित्र का लक्षण है आत्म नियंत्रण, विश्वसनीयता, अंतःकरण की शुद्धता, ये सभी, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ये सभी। 96, किशोरावस्था में किस प्रकार का निर्देशन उपयोगी रहता है? व्यावसायिक, शैक्षिक, व्यक्तिक, ये सभी, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ये सभी। 97, किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था है, यह कथन है अष्टमे होल का, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। प्रारंभिक स्तर की शिक्षा में महत्व देना चाहिए, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, समन्वय का, समन्वय को जो है महत्व देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 99, अच्छे चरित्र निर्माण करने वाला कारक नहीं है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, भय। क्वेश्चन नंबर 100, प्राथमिक स्तर की शिक्षा देने वाली होनी चाहिए, तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, छात्र सक्रियता पर आधारित। क्वेश्चन नंबर 101, बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल बताया है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, काल व ब्रूसनी। क्वेश्चन नंबर 102, दोहराने की प्रवृत्ति होती है शैशवावस्था में, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 103, शैशवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि है मॉन्टेसरी खेल विधि, किंडरगार्टन विधि, ये सभी, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ये सभी। बालकों को दी जाने वाली शिक्षा में होना चाहिए नैतिक विकास की अक्षमता, मूल प्रवृत्तियों का शोधन, अमूर्त अस्थायी भावों का निर्माण, डी उपरोक्त सभी, तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। तो बस आज के लिए इतना ही, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपको जिस भी सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए तो प्लीज़ प्लेलिस्ट को चेक कीजिए या कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपको उसी सब्जेक्ट की आपको वीडियो मिल जाएगी, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, जीके, रीजनिंग, जो भी आपको चाहिए प्लीज़ कमेंट कीजिए, उसी की वीडियो आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। धन्यवाद।